अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद फ्रेंड्स, हम वज़ीराबाद से वज़ीराबाद के नज़दीक एक जगह वहाँ पे जा रहे हैं। उस जगह का नाम है हेड खान की, हेड खान की हेडवर्क्स, जो भी कह लें आप, खान की हेडवर्क्स। तो वहाँ पे मैं और सलमान भी जा रहे हैं, अभी वज़ीराबाद के अंदर ही हम यहाँ से भी बाहर निकलेंगे। और वज़ीराबाद से रसूल नगर रोड से होते हुए हम खान की हेडवर्क की तरफ जाएंगे और वहाँ पहुँच के आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे इंशाल्लाह। ये जो ब्रिज है, ये बड़ा ख़तरनाक ब्रिज है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह ओवरटेक कर रहा है ये गाड़ी वाला। ये जितने गाड़ियाँ वाले हैं, बल्कि रिक्शे वाले ख़ासतौर पर और बाइक्स वाले, वो यहाँ पे बड़े ख़तरनाक तरीके से ओवरटेक करते हैं। अगर आप कभी यहाँ से वज़ीराबाद के रहने वाले, तो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, तकरीबन आए दिन गुजरते रहते हैं। कभी आप वज़ीराबाद आएँ और इस ब्रिज से गुजरें तो सियालकोट ब्रिज, ये देखें कितना ख़तरनाक है। ये ब्रिज बना था ऐसे तकरीबन को 30 साल पहले, उस वक्त की ज़रूरियात के हिसाब से। और वहाँ पर दोनों तरफ आने जाने के लिए एक ही ट्रैक है सिर्फ। तो ओवरटेक करने की लोग कोशिश करते हैं बड़े ख़तरनाक तरीके से। तो जब कभी भी आप आएँ तो अपनी लेन ना छोड़ें, अपनी लाइन में रहें। अभी जिस तरह के हम, ये देखें सामने से गाड़ी आ रही है, मैं अपनी साइड पे हो गया हूँ, सामने ट्रॉली है, तो यहाँ पे काफ़ी हादसा होते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि लोग जल्दबाजी में आगे निकलने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से। अब ये सड़क सारी टूटी हुई है, सड़कों के जाल पता नहीं कहाँ बिछे थे। शरी ये आंदा नगर रोड या रसूल नगर रोड, इस तरफ अभी हम टर्न होंगे यहाँ पे खान की हेडवर्क्स जाने के लिए। और सुबह सुबह निकलने का एक और फ़ायदा होता है, सुबह जल्दी किसी भी तरह आपने कहीं भी जाना हो तो जल्दी निकलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको ट्रैफिक यहाँ तो कम मिलती है या मिलती रही। देखिए ये जगह जो है, यहाँ पर हर वक्त इतना रश होता है कि गुजरना मुश्किल होता है। और इस वक्त देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मौसम भी अच्छा है, गर्मी के मौसम में वैसे भी सुबह जल्दी निकलना चाहिए। ये हम आ गए हैं जी अहमदा नगर रसूल नगर रोड पे। ये भाई साहब पेट निकाल के सुबह सुबह सड़क गीली कर रहे हैं ताकि लोग फिसल के गिर जाएं। अगर गवर्नमेंट ये कानून बना दे कि जितनी भी दुकानें हैं, हर दुकान वाला या मेन रोड के ऊपर किसी का घर है, दुकान है, कुछ भी है, अपने घर के सामने से लेकर रोड के ऊपर तक सफाई की जिम्मेदारी उसकी है, तो ये सारा कचरा मचरा वैसे साफ हो जाएगा। ये लोग करते क्या हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बस पानी से उसको वक्ती तौर पे उसको हल कर रहा है, उसको बैठाने की कोशिश कर रहा है, कोई झाड़ू नहीं, कुछ नहीं। रोड के साथ ही रेलवे ट्रैक भी है वज़ीराबाद में, क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन है, पाकिस्तान का शायद दूसरा बड़ा जंक्शन है ये वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पे, रोहड़ी के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो तो शायद रोहड़ी है सिंध में, दूसरा बड़ा ये वज़ीराबाद का, बहुत अहम है, इसकी दफाई लिहाज से बड़ी अहमियत है इसकी। ये जो लाइन है ये यहाँ से अहमदा नगर रसूल नगर से होती हुई हाफिज़ाबाद साइड से ये फैसलाबाद जाती है डायरेक्ट लाहौर और बड़े शहरों को बाईपास करते हुए, और यहाँ से एक सीधी जाती है लाहौर रावलपिंडी लाइन में, तो सबको पता ही है। इसके अलावा सियालकोट की तरफ भी जाती है, तो सियालकोट लाहौर और फैसलाबाद ये सेंट्रल पंजाब से होती है, साउथ पंजाब और आगे कराची तक ये लाइन जाती है, आपको नज़र आ रही है सामने ये वाली लाइन। डॉगी आगे आ गया, भाई साहब जो दूध वाले साइड पैनियर्स लगाए हुए हैं, एक छोटा पैनियर एक बड़ा पैनियर है। पाकिस्तान में राइड करते हुए या ड्राइव करते हुए आपको बाइक वालों से और चिंगची वालों से, रिक्शा वालों से,
बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। जो रिक्शे वाले हैं ये किसी भी जगह ब्रेक लगाते हैं, किसी पर रुक जाएंगे और किसी भी जगह से ये वापस चलेंगे और किसी जगह से मुड़ जाएंगे, किसी भी जगह से। इनसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है ज़्यादा। और चिमची वाले आपको टक्कर मारेंगे नहीं, ये आपको टक्कर मारने पर मजबूर कर देंगे, यानी कि आपके सामने आप रिक्शा फेंक दे रख देंगे आगे। सर ये ब्रिज है ऊपर जो वजीराबाद की, तो अंदर से रोड जाता है कि वजीराबाद के बाहर से होता है, वजीराबाद को बाईपास करते हुए ये वो ब्रिज है। इस तरफ लाहौर है और इधर ये राइट साइड पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ रोड जाता है, आगे दरिया चनाब आता है। ये गांव आ गया जी सामने धोनी के, सुना मेरा पेट्रोल वेट्रोल चेक कर ले मेरा ख्याल। TSO के पेट्रोल पंप सरकारी पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल डलवाना चाहिए, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखा जी बाहर ना डिगे रहा फिर वो मसला बन जाए। हाँ जी, अच्छा जी, TSO के पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया। इसमें पहले था ना, काफ़ी था आने जाने के लिए, बल्कि ज़्यादा मैं टैंक फुली का हुआ था, लेकिन यहाँ से सही नहीं कराया क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। और पाकिस्तान में गड़बड़ बहुत है, सरकारी हो या सिविली हो, यहाँ पे गड़बड़ बहुत है। ये अभी भी मुझे पता है जितने पैसों का डलवाया उतने का होगा नहीं, वो मशीन में लोगों ने पहले ही गड़बड़ की होती है, घटा पहले किया होता है मशीन में, 20-25% 30% कम नहीं होता इसमें। तो TSO के पेट्रोल पंप की बात मैं करता हूँ, TSO के पेट्रोल पंप से पेट्रोल इसे डलवाना चाहिए कि जो पिछले दिनों जितने भी सिविलियन पेट्रोल पंप थे, जितनी भी सिविलियन कंपनियाँ थी, उन्होंने पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद, बल्कि सस्ता क्या सारी ज़िंदगी यहाँ महंगा ही रहा है, ये कुछ दिनों के लिए सस्ता हुआ था वापस फिर महंगा हो गया, तो वो पेट्रोल नहीं दे रहे थे। एक जंग की सूरत हाल बन गई थी, तो इसलिए सिर्फ TSO उन दिन में पेट्रोल दे रहा था। आवाम को बड़ी मुश्किलात थी उन दिनों में, तो पेट्रोल पंप पे जो TSO है ये सरकारी पेट्रोल पंप है, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करें कि TSO के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाएं। तो जो बुरे वक्त में जिसने आवाम को पेट्रोल दिया उसी के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं, सिविलियन पेट्रोल पंप से हर जगह कोशिश करें, मजबूरी अगर है सारी बात फिर डलवाना ही है, अगर यहाँ से नहीं मिले या TSO का पेट्रोल पंप आपको मिले ही नहीं। बस वह बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कुछ घंटों बाद तो सख्त गर्मी हो जाएगी। और वैसे भी शहर से बाहर निकले हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो शहरों में गर्मी भी ज़्यादा होती है, गंद भी ज़्यादा होता है, हवस भी ज़्यादा होती है। जैसे ही आप किसी भी शहर से बाहर निकल जाएंगे, आप इस तरह का खूबसूरत हरा भरा तरोताज़ा माहौल मिलेगा, ताज़ी आपको हवा मिलेगी। जैसे जैसे आप शहरों से दूर होते जाएंगे, पानी भी आपको पीने के लिए साफ मिलेगा या कुछ बेहतर मिलेगा, या बहुत बेहतर की जगह पर मिलेगा। ये रोड भी अच्छा बन गया है, आज से कुछ साल पहले तक तो रोड की हालत बड़ी ख़राब थी यहाँ। हालांकि वजीराबाद के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशन हैं, तो ज़्यादातर के जो गाँव हैं वो इसी रोड के ऊपर आते हैं आगे जाके, क्योंकि वजीराबाद जो है उसका एरिया मशरक़ की तरफ बहुत कम है। आगे थोड़ा सा आगे जाए 3-4-5 किलोमीटर तो वहाँ से आगे सियालकोट शुरू हो जाता है। ये गाँव है जी वडाला, ये पीछे यहाँ भी पेट्रोल पंप है, लेकिन ये हमने TSO से डलवाना था इसलिए वहाँ से डलवा लिया।
रोड काफ़ी अच्छी बन गई है ये, तो साइडों के नज़ारे देखें, हरे भरे खेत। कुदरती खूबसूरती पाकिस्तान को ने बहुत दिया, लेकिन जैसे ही आप शहरों में एंटर होंगे तो वो मान पड़ जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं और हम लोगों ने ना गवर्नमेंट ख्याल करती है ना ही हम लोग ख्याल करते हैं सफाई का, किसी दूसरे का ना गवर्नमेंट ने कैसा बंदोबस्त रखा हुआ, कोई कचरे के ढेर तो आपको रोड के आसपास मिल जाएंगे। चलिए हम लोग जा रहे हैं खानकी हेडवर्क्स, क्योंकि वज़ीराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पे ज़्यादा दूर नहीं है, दरिया चनाब के ऊपर है ये। बाकी इसकी हिस्ट्री आपको वहाँ पहुँच के बताएँगे।